Hi, this is English sir. Today I am going to teach you in this video alphabets. Alphabets are 26 in number. 5 is vowel and rest is consonant. So 5 vowel, which are these? A, E, I, O, U. These are vowels and their number is 5. And rest are consonant. Rest are consonant and their number is 21. So 21 and 5 is 26. So total alphabets is 26. The next, a letter started with A, apple. So the first letter is vowel. Here is A, A. Then an will be used before it. Cat, its first letter is C, means consonant, then A will be used before it. Are you get it? Okay. Next, don't forget that umbrella is written that umbrella. Umbrella is written that, and do you know? University is also written that university. University is also written that, but both are starting with the vowels letter U. Vowels letter U. But do you know, before the umbrella an is used, but before the university A is used. Why? What is the reason? That's reason I will clarify in this video. So be continue in this video till, come on, show. There are many words. Let's suppose cat. Do you know cat is written like this? Cat. So kavarg, in Hindi kavarg, kavarg, chavarg, tavarg, pavarg, tavarg, pavarg, and aralavavarg. अगर ये आते हैं स्टार्टिंग में, इसमें से कोई साउंड आता है तो ए यूज होता है. जैसे कैट, कैट हम लिखें कैट सी, यहां पे कैट लिखा जा रहा है, क आ रहा है ना, ए यूज होगा. अगर इस ग्रुप के क में 5 होते हैं, उस ग्रुप में कोई भी आ जाए शुरू में, स्टार्टिंग में इस टाइप से, तो ए यूज होंगे. अब यहीं पर बात कर रहे थे अम्ब्रेला की, यू एम बी आर ई डबल एल ए, अम्ब्रेला. और यहीं पर था यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी. देन व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन दैट वन? तो यहां जो अम्ब्रेला लिख रहे हैं वो ऐसे लिख रहे हैं, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आप लिख रहे हैं. तो यहां पे आ रहा है ओ आ, जो कि इसमें से नहीं है, इसके सदस्य में से कोई भी नहीं है, इसलिए यहां पे एन का प्रयोग किया गया था, किया गया है. और यहां पर जो स्टार्ट होगा इसको ऐसे लिखेंगे, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी. तो यहां पे क्या चीज का आ रहा है? यरल वर्ग क्या आ रहा है, इसलिए इस वर्ग का कोई भी आ जाए तो ए का प्रयोग किया जाता है. जैसे ओनियन, ओनियन प्याज. यहीं पे वन आइड मैन, कनाह आदमी, दोनों स्टार्ट हो रहा है ओ से, लेकिन व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन देम? यहां पे एन लगेंगे बट यहां पे ए लगेंगे. यही देखिए क्यों, ओनियन को हम ऐसे लिखेंगे, ओनियन, स्टार्टिंग में ओ आ का कोई भी भाग आ जाए ओ आ में, तो वहां पे एन का प्रयोग किया जाता है. और यहां पे जो ओ लिखा हुआ है इसको
वन पढ़ेंगे, वन आइड मैन, तो ये यर ल व का भाग आ गया, ये इसके यर ल व आ गया, इसलिए यहाँ पे हम ए का प्रयोग किए हैं। यहाँ ओ के चलते यानी अ आमे का आया तो एन किया गया, और यहीं पर ये जो आया वन से यर ल व का आया तो ए का प्रयोग किया गया। तो आप आज से श्योर हो जाए, बी श्योर डैट कि भावेल आए तो कोई जरूरी नहीं कि वहां पे एन ही यूज होगा, वो डिपेंड करता है इट्स प्रोनंसिएशन, उसका प्रोनंसिएशन अगर इस वर्ग में किसी से भी शुरुआत होता है तो ए का प्रयोग करिएगा, अगर उसका प्रोनंसिएशन ओ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु अगर ये सब आता है तो उसके प्रोनंसिएशन के आगे एन का प्रयोग कीजिएगा। सो इस तरह की वीडियो के लिए आप कंटिन्यू हमारे चैनल के साथ बने रहें, मैं कंटिन्यू वीडियो डालूंगा और आपको इंग्लिश के मास्टर बनाऊंगा, लेकिन मेरे को कम से कम चाहिए वन ईयर टाइम हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। मेरा दो वीडियो चलेंगे, यानी हर रोज़ दो वीडियो आएंगे, ठीक है, और उस वीडियो को आप प्लीज़ देखते रहें, नोट डाउन करते रहें। वन ईयर बाद आपसे मैं पूछूंगा तो आप देखेंगे कि आप एक बहुत अच्छे इंग्लिश स्पोकर एंड ग्रामर के अच्छे जानकार व्यक्ति हैं। सो प्लीज़ बी हैप्पी एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।